अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीडब्ल्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 50 मुसलमान ममालिक हैं जिनके अंदर 1 अरब 80 करोड़ तक मुसलमान रहते हैं। इनमें से कुछ ममालिक एरिया के हिसाब से छोटे तो कुछ बड़े हैं, और हर मुसलमान को अल्लाह ताला ने ईमान और वतन की मोहब्बत का जज्बा अता किया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के 8 ताकतवर तरीन मुसलमान ममालिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8 पे है बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इससे पहले इसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और ये एक साउथ एशियन कंट्री है। इससे पहले ये पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 26 मार्च 1971 को ये पाकिस्तान से अलहदा हो गया और अब इसकी आबादी 16 करोड़ से भी ज्यादा है और अब ये एक ताकतवर इस्लामी मुल्क है। बांग्लादेश की आर्मी में 2,50,000 से भी ज्यादा आर्मी पर्सनल मौजूद है। इस आर्मी के पास 190 एयरक्राफ्ट मौजूद है। इसके अलावा इनके पास 552 टैंक्स, 32 रॉकेट प्रोजेक्ट्स और तकरीबन 90 नेवी एसल्स मौजूद हैं। और बांग्लादेश की आर्मी का सालाना बजट $3.45 बिलियन है। नंबर 7 पे है अजरबैजान। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। ये मुल्क ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में वाकई है, और तो और ये मुल्क रशिया से 30 अगस्त 1991 को आजाद हुआ था। इसकी आबादी 98 लाख से ज्यादा है और अजरबैजान वाकई में बहुत ही ताकतवर इस्लामी मुल्क है। इसकी आर्मी में 3,74,000 से ज्यादा आर्मी पर्सनल मौजूद है, जिनमें फौजियों की उम्र 18 साल से 35 साल तक होती है। अजरबैजान की आर्मी के पास 520 टैंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास 135 एयरक्राफ्ट, 190 रॉकेट प्रोजेक्ट्स और 35 नेवी एसर्ट्स मौजूद हैं। इस मुल्क का डिफेंस बजट $4.73 बिलियन है। नंबर 6 पे है सऊदी अरेबिया। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया एक अरेबिक मुल्क है जिसकी इकॉनमी बहुत ही स्ट्रांग है और इसकी आबादी 3,50,00,000 से ज्यादा है। सऊदी की आर्मी में 8,50,000 आर्मी पर्सनल्स हैं। इसकी आर्मी में 884 एयरक्राफ्ट, 1142 टैंक्स, 322 रॉकेट प्रोजेक्ट और टोटल 55 नेवी एसर्ट्स मौजूद हैं। सऊदी आर्मी का डिफेंस बजट $69 बिलियन है। नंबर 5 पे है इंडोनेशिया। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। दोस्तों इंडोनेशिया साउथ एशियन कंट्री होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ये मुल्क 17 अगस्त 1945 को आजाद हुआ और इसकी आबादी 20,77,00,000 से ज्यादा है। इंडोनेशिया की आर्मी में 9,85,000 आर्मी पर्सन मौजूद है। इनके पास 478 एयरक्राफ्ट, 418 टैंक्स और इसके अलावा 153 रॉकेट प्रोजेक्ट और 221 नेवी एसर्ट्स मौजूद है। इंडोनेशिया का डिफेंस बजट 6,90,00,000 है। नंबर 4 पे है इजिप्ट। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। ये मुल्क 28 फरवरी 1928 को ब्रिटिश से आजाद हुआ था। मिस्र एक बहुत ही ताकतवर इस्लामी मुल्क है जिसकी आबादी 9,50,00,000 से भी ज्यादा है। मिस्र की आर्मी में 13,29,000 आर्मी पर्सन मौजूद हैं। इसके अलावा इनके पास 1,132 एयरक्राफ्ट, 4,500 टैंक्स, 1,216 रॉकेट प्रोजेक्ट और टोटल 319 नेवी रेसर्स मौजूद हैं। मिस्र का डिफेंस बजट $5,60,00,000 है। नंबर 3 पे है ईरान। दोस्तों ईरान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। दोस्तों ईरान एक वेस्ट एशियन कंट्री है जिसकी आबादी 8,16,00,000 से ज्यादा है। ईरान एक ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क है जिसकी आर्मी में 9,34,000 आर्मी पर्सन मौजूद है। ईरान की आर्मी के पास टोटल 505 एयरक्राफ्ट, 1,533 रॉकेट प्रोजेक्टर, 1,650 टैंक्स और 398 नेवी एसर्ट्स मौजूद है। ईरान का डिफेंस बजट $6,30,00,000 है। नंबर 2 पे है तुर्की। दोस्तों इस मुल्क का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। दोस्तों तुर्की एक वेस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इसका कुछ पार्ट साउथ यूरोप में भी आता है। ये मुल्क 19 मई 1990 में आजाद हुआ और इसकी आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है। तुर्की दुनिया का दूसरा ताकतवर तरीन इस्लामी मुल्क है जिसकी आर्मी में 1,00,000 तक आर्मी पर्सनल मौजूद है। तुर्की आर्मी में 1,200 एयरक्राफ्ट, 2,500 टैंक्स, इसके अलावा 418 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और टोटल 194 नेवी मौजूद हैं। तुर्की का डिफेंस बजट $19 अरब है। नंबर 1 पे है पाकिस्तान।
दोस्तों पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। ये मुल्क भी एक साउथ एशियन कंट्री है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और इस मुल्क की आबादी 22 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। पाकिस्तान की आर्मी में 9,28,000 आर्मी पर्सन मौजूद है। पाकिस्तान आर्मी के पास टोटल 1,221 एयरक्राफ्ट, 2,182 टैंक, 144 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और इसके अलावा 190 नेवी एसर्स और 125 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट 8,78,00,000,000 है। दोस्तों मजीद इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।